बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू गनी गफ्फार लॉ एकेडमी, प्रेजेंटेड बाय सईद शम्स लॉ एसोसिएट्स एंड को। सबसे पहले दोस्तों, आज मेरी वीडियो का मकसद जो है लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से कि हम कैसे उसमें करेंगे, उसका हमारा पैटर्न क्या होगा, उसमें अप्लाई कैसे करेंगे, उसमें सब्जेक्ट कौन से होते हैं, उनकी मार्क्स कितने होते हैं और क्राइटेरिया पासिंग का कितना होता है। तो सबसे पहले हम आपको इस चैनल में वेलकम करते हैं और चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ से। तो दोस्तों, गनी गफ्फार लॉ एकेडमी ये मेरे ख्याल में पहली वीडियो बना रही होगी लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से, क्योंकि इससे पहले हम कानून की जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वीडियोस बनाते रहे, अलग अलग लेक्चर्स, अलग अलग टॉपिक्स के, कानून के सब्जेक्ट्स के। और आप अगर कानून के स्टूडेंट्स हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नई नई वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं कि इसका पैटर्न क्या होता है, इसको अप्लाई कैसे करते हैं। हायर एजुकेशन कमीशन एक इदारा है जो लॉ एडमिशन टेस्ट लेता है। उसका मकसद स्टूडेंट से एक टेस्ट लेना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है काबिल स्टूडेंट्स जो हैं आगे आए, क्योंकि पहले तो ऐसे होता था कि एडमिशन ली और हमें डिग्री मिल गई। अब ऐसा नहीं, अब कॉम्पिटिशन हो गया है, तो कॉम्पिटिशन के हवाले से जो कॉम्पिटेंट स्टूडेंट्स हैं वो आगे आ रहे हैं। और HEC का टेस्ट जनरल नॉलेज पे बेस होता है, इतना कोई अहम, इतना जैसे हम डिफ़िकल्ट बोलें वो नहीं होता है। हमारी एकेडमी जो है ऑनलाइन क्लासेस भी चलाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, इनकी जो है 1 मंथ का कोर्स होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। हम उनको नोट्स प्रोवाइड करते हैं हमारी एकेडमी की तरफ से और बहुत से हम उनको जो है मदद करते हैं टेस्ट पास करने में। तो दोस्तों, चलते हैं कि अप्लाई कैसे करते हैं। हायर एजुकेशन का एक पोर्टल है, उसमें हम जाके रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, अपना अकाउंट बनाते हैं, उसमें सारे अपनी डेटा लिखते हैं और चालान वो एक उन्होंने एड्रेस दिया हुआ है, इसमें मैंने मेंशन भी किया और हमने नोटिफिकेशन भी निकाला है। गनी गफ्फार लॉ एकेडमी का फेसबुक ऑफिशियल पेज है, उसमें हमने ये नोटिफिकेशन भी निकाला है कि उसमें सब्जेक्ट कौन से हैं, उनमें मार्क्स कौन से हैं, पासिंग क्राइटेरिया क्या हो सकता है और अप्लाई कैसे करते हैं। सबसे बड़ी बात है अप्लाई करना। सब्जेक्ट्स तो हम आखिर में आ जाता है जब हम स्टडी करते हैं, पहले हमारा सिल्प फिर हम जनरेट होती है सिटी वगैरह का, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आते हैं कि अप्लाई कैसे करते हैं। हायर एजुकेशन का एक पोर्टल है, उसमें हम जाते हैं, अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, अपना अकाउंट बनाते हैं, उसमें सारी, और याद रहे इंटर बेस पे ही अप्लाई होगा, मतलब मैट्रिक बेस पे हम अप्लाई नहीं कर सकते, हम इंटर बेस पे अप्लाई कर सकते हैं कॉलेज के बाद। उसके बाद हम उसमें रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद अपनी सारी डेटा लिखेंगे, अपने अपलोड्स करेंगे डॉक्यूमेंट्स जो भी वो मांग रहा है और जो भी वो डेटा पूछ रहा है हम उस पर अपलोड करेंगे। और ये CNIC पर रजिस्ट्रेशन होती है। दूसरी बात, जब हमने उसमें अप्लाई कर लिया, अब वो बोलेगा 50% आपका कंप्लीट हो गया, अब 50% आपका रहेगा कि आप जो है उसमें चालान जो है पे करें। आप चालान कैसे पे होगा, आप HBL बैंक में जाके पे होता है। HBL बैंक में इन्होंने अपना अकाउंट नंबर और अपना डिटेल जो उनका सब कुछ है वो दिया हुआ है और वो जाके हमने फिल करना है। उसके बाद दूसरा काम हमें करना है, जैसे ही हमने ये पे कर दिया तो हमें क्या करना है कि उसकी फोटोकॉपी करनी है उस चालान की और अपने रिकॉर्ड में रखनी और ओरिजिनल जो है उनको TCS करनी। और TCS की जो ओरिजिनल जहाँ जिस एड्रेस पे TCS करनी वो भी हमने नोटिफिकेशन में मेंशन किया। आप चाहें तो आप फेसबुक ऑफिशियल से वो नोटिफिकेशन उठा सकते हैं। दूसरी बात, अब उसमें सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। अब सब्जेक्ट्स एक इंग्लिश होता है, अब इंग्लिश में दो तीन उसमें टॉपिक्स आ जाते हैं। एक ऐसे आ जाता है कि आपको जनरल एक टॉपिक दिया जाएगा जिस पर आप ऐसे लिखेंगे, दूसरा और वो जो ऐसे होगा वो 200 का होता है, वर्ड्स का होता है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा आपने नहीं लिखना। और वो उर्दू में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं। उसके मार्क्स जो हैं 15 मार्क्स हैं ऐसे के। उसके बाद आ जाता है पर्सनल स्टेटमेंट। पर्सनल स्टेटमेंट में ये होता है कि वो 10 मार्क्स का होता है, वो भी 200 का लिखना होता है। अच्छा, पर्सनल स्टेटमेंट में आपने राय देनी है, जैसे आपसे पूछ लिया एक क्वेश्चन, उन्होंने पूछ लिया कि भाई आप लॉ क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं, या कोई XYZ कोई इंटरनेट के आप एडवांटेजेस बताएं अपने हिसाब से, तो उसमें आपने अपनी राय देनी है। ये नहीं है कि आप लिख दें कि अल्लामा इकबाल क्या कह रहे हैं या कायदे आज़म कह रहे हैं, हमें अपनी राय देनी है कि ये जो चीज़ है उसके फ़ायदे हमारी नज़र में क्या हैं और नुकसान हमारी नज़र में क्या है। पर्सनल स्टेटमेंट सिंपल ये होती है, ये आप उर्दू में लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। उसके बाद MCQs की बारी आ जाती है। इंग्लिश के MCQs होते हैं, वो उनके मार्क्स जो होते हैं 20 मार्क्स होते हैं। उसके बाद आ जाए जनरल नॉलेज के भी 20 मार्क्स होते हैं MCQs के। उसके बाद इस्लामिक स्टडीज़ है, पाकिस्तान स्टडीज़ है, इन दोनों के 10-10 मार्क्स होते हैं। उर्दू है, मैथ है,
अच्छा उर्दू के 10 मार्क्स होते हैं और पाकिस्तान मैथ जो है वो बेसिक मैथ आती है, उसके 5 मार्क्स होते हैं, वो आसान सी एक मैथ होती है। आप 10 क्लास की किसी बुक उठा ले, उसमें थोड़ी आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपकी मैथ क्लियर हो जाएगी। अच्छा इसमें सबके आखिर में जो है पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है? टोटल इसके 100 मार्क्स होते हैं, जैसे हम आपको प्लेस करते जाएँ कि भाई 15 मार्क्स ऐसे के होते हैं, 10 मार्क्स पर्सनल स्टेटमेंट के होते हैं, उसके बाद 20 20 इंग्लिश और जनरल नॉलेज के होते हैं, और 10 10 पाकिस्तान स्टडीज़ के होते हैं, 5 जो है हमारे मैथ के होते हैं, बेसिक मैथ। टोटल हो गए 100 मार्क्स। और आखिर में जो हमारी ये बात आती है कि पासिंग मार्क्स कितने होते हैं, पासिंग मार्क्स हमारे होते हैं 50%, मतलब 100 में से आपको 50 मार्क्स उठाने। अगर आपने 49 भी उठाए तो आप कंसिडरेबल नहीं होंगे, आप फेल कहलाएंगे, और 50 पे आपने पास करना है। और आजकल तो ये चल रहा है ज़माना कि जितने ज़्यादा मार्क्स होते हैं प्रायोरिटी उसको मिलती है एडमिशन में, हर यूनिवर्सिटी में ये एक इन्होंने बनाया हुआ है, क्योंकि हर कोई बोलता है कि हमारे पास कॉम्पिटेंट से कॉम्पिटेंट बच्चा है। तो मेरी आपसे गुजारिश है मेहनत करें, और हमारी अकेडमी अगर आपको कोई ज्वाइन करना चाह रहा है तो हमारा फेसबुक ऑफिशियल पेज है, हमने एक व्हाट्सअप ग्रुप भी बनाया है जिसमें उधर लिंक भी शेयर होती है, जो हमारे जूम क्लासेस होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट चलते हैं क्लासेस रोज़ाना डेली बेसिस पे, हमारा एक सब्जेक्ट होता है, और जो हो सकता है हमारे 2 2 घंटे की रोज़ाना क्लास होती है शाम को, क्योंकि सारे फ्री होके इसको आराम से कवर सकें। मज़ीद वीडियो के लिए देखते रहिए गनी गफ्फार अकेडमी। अल्लाह हाफिज़।